नमस्कार, आदाब। आपके साथ मैं फराज हूं। परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। परखना मत परखने में कोई अपना नहीं रहता, किसी भी आईने में देर तक चेहरा नहीं रहता। बड़े लोगों से मिलने में हमेशा फासला रखना, बड़े लोगों से मिलने में हमेशा हमेशा फासला रखना। जहां दरिया समंदर से मिला, दरिया नहीं रहता। दोस्तों, ये शेर बशीर बद्र साहब का है। इसी से मैंने शुरुआत की आज के कार्यक्रम की। आप समझ गए होंगे कि इंसान की खुद का जो वजूद होता है, आइडेंटिटी, वो बहुत ज़रूरी है। जब वो किसी बड़े में मिल जाता है तो फिर खो जाता है। तो ये ऐसे ही मैंने आपके सामने। अब आते हैं आज के कार्यक्रम पर। ये कार्यक्रम, ये चैनल आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है, कुछ नहीं है। आपका प्यार मिल रहा है, इसके लिए बहुत शुक्रिया। आज के एपिसोड में लाजमी सी बात है, जब हम जिक्र करते हैं किसी के बारे में, क्योंकि सिनेमा का मीडियम ऐसा है, अगर कोई गीत की हम बात करें तो उसमें फिर सिंगर का जिक्र आएगा, तो म्यूज़िक डायरेक्टर की भी आएगा, लिरिक्स का भी आएगा, एक टीम वर्क। तो आज भी रफ़ी साहब का जिक्र होगा, शंकर जयकिशन साहब का जिक्र होगा, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र साहब, और भी लोगों के नाम आएंगे आगे आगे जैसे आप इस प्रोग्राम को देखते जाएंगे। अजब है दास्तां तेरी ऐ जिंदगी, अजब है। हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं हम तेरे तेरे तेरे। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल में समा। नर्ग से मस्ताना, बस इतनी शिकायत है। जब भी ये दिल उदास होता है, मोहब्बत जवान होती है। मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में कहीं। बदन पे सितारे लपेटे हुए तो जान दम। ओ मेरे शाह खुबा, ओ मेरी जान। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन। जाके इंतजार में जाने को है बहुत। जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। तुम नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्ने मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी। आसमान से आया फरिश्ता, प्यार का सबक सिखलाने। गुलबदन फूलों की महक का। जाने वाले जरा होशियार, यहाँ के हम है। बहुत से ऐसे गीत रहे हैं जो रिकॉर्ड हुए थे किसी और फिल्म के लिए और फिर उस फिल्म में वो नहीं आ पाए और दूसरी फिल्म में इस्तेमाल किया गया, जैसे कि लीडर फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था, याद में तेरी जाग जाग के नौशाद साहब ने, लेकिन ये फिर मेरे महबूब में आया। हालांकि मेरे महबूब पहले रिलीज हुई, लेकिन गीत और संगीत पहले तैयार हो जाता ही हम जानते हैं। ऐसा ही आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उस नायाब गीत का, जिसे रफ़ी साहब ने गाया और रफ़ी साहब के साथ आवाज़ मिलाई सुमन कल्याणपुर जी ने। जी हाँ, लता जी नहीं, आशा जी नहीं, सुमन जी। और रफ़ी साहब और सुमन जी के जो ड्यूट्स हैं हम जानते हैं, तकरीबन 140 के आसपास, वो तकरीबन सभी मकबूल हुए, मशहूर हुए। लोगों ने इनकी जोड़ी को पसंद किया, आवाज़ की जोड़ी को। तो ये बात है। अब वो कौन सा नगमा है जो डिले होता चला गया, तो ये आता है कि शंकर जयकिशन साहब ने इस गीत को सबसे पहले देव साहब के लिए, उनकी फिल्म जब प्यार किसी से होता है, उसमें रखना चाहते थे। लेकिन देव साहब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि यह मेरी पर्सनैलिटी पर सूट नहीं करेगा। सिचुएशन निकाली जा सकती थी, लेकिन ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। फिर शंकर जयकिशन कोशिश करते रहे, बीच में कई फिल्में आ रही थी, आरजू हो और भी जो फिल्में कर रहे थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन
कभी हीरो ने मना कर दिया, कभी डायरेक्टर ने मना कर दिया, प्रोड्यूसर ने मना कर दिया, सिचुएशन नहीं निकली। फिर सूरज फिल्म, शंकर जयकिशन साहब का संगीत, राजेंद्र कुमार जी, उसमें सोचा शंकर जयकिशन ने इस गीत को फिट किया जाए, तो राजेंद्र कुमार ने कहा कि एक तो मैं इस तरह के गीतों का आदि नहीं हूं, दूसरा सूरज राजा महाराजाओं की फिल्म थी तो ये गीत उसमें फिट नहीं बैठ रहा था। तो ये गीत साहब वहां भी नहीं आ पाया, अब क्या करें। लेकिन ये नगमा था अच्छा, इसका यकीन था शंकर जयकिशन को और ये खूब चलेगा। अब साहब जयकिशन साहब की दोस्ती रही शम्मी कपूर साहब से, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, यही वजह है कि जयकिशन जी ने बेहतरीन धुनें दी शम्मी कपूर साहब को, जंगली, प्रोफेसर, एक से बढ़कर एक फिल्में, प्रिंस। और जब जयकिशन साहब इस दुनिया से गए तो शम्मी कपूर साहब ने यही कहा था कि मेरा जो फिल्मी सफर है वो तो पूरा हो गया एज अ हीरो, लेकिन मैंने पर्सनली अपना अच्छा दोस्त खो दिया। एक दूसरे की जब इनकी शादियां हुई थी, जयकिशन साहब की और शम्मी साहब की दूसरी, तो इन दोनों ने ही पार्टीज अरेंज की थी। खैर, अब जयकिशन साहब ने जब शम्मी कपूर से यह कहा कि यार एक गीत है काफ़ी सालों से, वो इस्तेमाल नहीं हो पा रहा, शायद वो तुम्हारे नसीब में तो नहीं है, तो शम्मी ने कहा हाँ। तो जयकिशन जी ने उसकी धुन वगैरह सुनाई तो शम्मी कपूर ने कहा भाई ये तो मेरे ही लिए है, ऐसा लगता है कि ये गीत मेरा ही इंतजार कर रहा था। इत्तेफाक से फिल्म बन रही थी ब्रह्मचारी, बप्पी सोनी। अच्छा, बप्पी सोनी दोस्त रहे शम्मी कपूर साहब के कई फिल्में, जानवर कौन भूल सकता है। तो शम्मी कपूर ने, बप्पी सोनी दोस्त थे, उनसे कह दिया यार ये गीत रखना है, सिचुएशन निकाल लो। बप्पी सोनी मान गए और फिर ये गीत ब्रह्मचारी के लिए रफी साहब और सुमन कल्याणपुर जी की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। और जब ये गीत इस फिल्म में आ गया दोस्तों, तो बाकी इसके और नगमे तो हैं, शैलेंद्र जी का मैं गाऊं तुम सो जाओ और दिल के झरोके में, जिसके लिए रफी साहब को अवार्ड भी मिला था। लेकिन ये गीत शम्मी कपूर साहब और मुमताज जी पर पिक्चराइज है। आप समझ रहे हैं कौन से गीत का जिक्र कर रहा हूँ, तो बता ही देता हूँ। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, है ना, मेरी आवाज़ तो खैर इतनी अच्छी नहीं है। फिर ये गीत इस फिल्म में आया और रफ़ी साहब ने क्या गाया है सुमन जी के साथ, और फिर शम्मी कपूर साहब और मुमताज़ जी का जो डांस है मुकम्मल हो गया। वो कहते हैं ना कि जिसके जो नसीब में होता है, किस्मत में होता है, उसको मिल जाता है। तो ये नगमा, ये तड़क भड़क से भरपूर गीत शम्मी कपूर साहब के नसीब में था जो उन्हें मिल गया, और ये फिल्म भी खूब चली, इसके गीत भी कितने चले ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जबान पर, सबको सबको मालूम है, सबको खबर हो गई। तो शंकर जयकिशन ने जो गीत कंपोज किया वो काम आया शम्मी कपूर साहब के, और आवाज रफी साहब की और सुमन जी की। अब ये नसीब का खेल ही है, जिस गीत को शम्मी कपूर साहब लेना चाहते थे ससुराल के, तेरे प्यारे, तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र न लगे, तो जयकिशन ने कहा कि भाई ये हम वादा कर चुके हैं राजेंद्र कुमार से, तुम्हें कोई और गीत देंगे जंगली के लिए। तो फिर जब उनके नसीब में नहीं था, लेकिन ये गीत उनकी किस्मत में रहा। तो ये थी इस तड़क भड़क से भरे नगमे की कहानी। ऐसे गीत कम हैं और ख़ास करके रफ़ी साहब और सुमन जी की आवाज़ में कम है। रफ़ी साहब ने लता जी या आशा जी के साथ बहुत गाए, गीता जी के साथ। तो ये इस गीत की कहानी थी, और खाली इसी नगमे की कहानी नहीं, और भी बहुत सी स्टोरीज जुड़ी रहती हैं जो हम आपके लिए सर्च करके लाते हैं। तो आज का कार्यक्रम यहीं तक। अब अपने दोस्त फराज को इजाज़त दीजिए और हमें कमेंट्स करके बताइए आपके पास भी कोई ऐसा किस्सा कहानी हो, हम उस पर कार्यक्रम ज़रूर बनाएंगे। अपना प्यार हमें देते रहिए दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज। बुला न पाओगे, प्यार न हो जाए, ओ बज बज के चल। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा। खुदा भी आसमां से जब जमी पर, जन्म जन्म का साथ है निभाने को, गम उठाने के लिए मैं तो जिए जा। उनके ख्याल आए तो थोड़ा
रुक जाएगी तो तेरा क्या जाएगा, नैन भर के देख लेंगे चैन, किसको प्यार करूं।